क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग, जी हाँ, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में एसोसिएट नेशंस के टॉप स्कोरर्स अब तक कौन कौन से रहे हैं? जी हाँ, अब तक जो इस लीग में टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें टॉप 10 हाईएस्ट स्कोरर्स कौन कौन से रहे हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन मारे हैं? इस लिस्ट की इंफॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं और आपको ये भी बताएंगे जरूर कि नेपाल क्रिकेट टीम के जितने भी मैचेस अब तक हुए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट स्कोरर्स कौन बिल्कुल कौन से रहे हैं और उन्होंने कितने कितने रन मारे हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जी अगर आप हाँ चैनल पे पहली बार आए हैं, ताकि हम लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। और सबसे पहले बात कर लेंगे टॉप 10 प्लेयर्स की जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर अब तक किए हैं क्रिकेट जरूर वर्ल्ड कप लीग टू में। शुरुआत सबसे पहले 10, 8 और 9 से करते हैं। बिल्कुल। देखिए 10वें नंबर पे यहाँ पे ओमान के खवर अली, जी हाँ जी हाँ खवर अली हैं। उनके 10 मैचों में 242 रन, जी हाँ तो 10 ही मैच हुए हैं अभी ओमान के, उसमें 242 रन वाकई में बहुत जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस चल रहा है। जी 9वें नंबर पे बात करें तो यान हॉलैंड यूएसए के 8 मैचों में 244, इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा कम मैचों में 244 रन है। और 8वें नंबर की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद पटेल जी यूएसए के, जी हाँ ये है, 12 मैचों में 248 रन ये इनके, तो 12 मैच काफी मैच हैं जी और हाँ 248 रन कहीं ना कहीं आसपास ही है यान हॉलैंड और खबर अली, तो 12 मैच काफी हो जाते हैं, कहीं थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, 250 करीब, पर इतने हैं नहीं, पर फिर भी टॉप 10 में है। जी हाँ ये बात हो गई टॉप नीचे से 10, 9 और 8 जरूर नंबर के जरूर प्लेयर की। जी हाँ, आगे नेपाल्स के भी क्रिकेट टीम के आ रहे हैं। जी हाँ, ये हम बिल्कुल आपको बता दें कि नेपाल का कोई भी प्लेयर टॉप 10 में नहीं है। जी हाँ, ये निराशाजनक थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, जरूर, लेकिन ये बिल्कुल निराशाजनक नहीं है। जी हम इस हाँ, पर इसके आएंगे पीछे एक जरूर रीजन है, उसको जरूर सुनते हुए जाइएगा। जरूर। 7वें नंबर पे, 8वें, 6वें नंबर पे और 5वें नंबर पे कौन से प्लेयर्स हैं, आइए जानते हैं। बिल्कुल देखिए 7वें नंबर पे यहाँ पे रिचर्ड बैरिंगटन, रिची बैरिंगटन स्कॉटलैंड से हैं, जी हाँ वो यहाँ पे हैं। 7 मैचों में उन्होंने 252 रन, जी हाँ ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, 7 मैचों में 252, क्योंकि वो ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी कराते हैं, तो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। और 6वें नंबर पे नामीबिया के क्रेग विलियम्स हैं, जिनके 7 मैचों में 259 रन हैं, तो इतने ही जितने मैचों में उनसे थोड़े ज्यादा रन जी हैं, हाँ अच्छा कर रहे हैं नामीबिया के लिए, बड़े सीनियर प्लेयर हैं, करना भी चाहिए। और इसी के साथ कॉट्जे, जी हाँ जीन पैरी कॉट्जे नामीबिया के हैं, ये भी नामीबिया के हैं, 7 मैचों में 125 रन, तो ये बहुत अच्छा है, 7 मैचों में 125, और हमने देखा कि पीछे 8 मैचों में, 12 मैचों में हमने जी देखा, हाँ तो ये बहुत जबरदस्त एवरेज चल रहा है इनका कोर्टसे का। बात ये कुछ इस तरीके से है, जी सात छह हाँ और पांच। जी हाँ ये बात हो गई नीचे से बॉटम 6 की। अब यहां पे जान लेते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप लीग टू में टॉप 4 हाईएस्ट जरूर स्कोरर्स कौन से हैं। जी हाँ, 4, 3, 2, 1 नीचे से चलते हैं, आयान बताएं। बिल्कुल देखिए 4वें नंबर पे यहाँ पे क्वाइटजर, स्कॉटलैंड के काइल क्वाइटजर जी हाँ, कप्तान वो जबरदस्त है, और एक्सपीरियंस, 7 मैचों में 327 रन, बहुत जबरदस्त इनका परफॉर्मेंस, जी बहुत हाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस जो इनसे उम्मीद है। जी हाँ और 3रे नंबर पे असद वाला पापुआ न्यू गिनिया के हैं, 8 मैचों में 356 रन, ये भी कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस कर जी रहे हाँ हैं अपनी टीम के लिए। और इसी के साथ 2रे नंबर पे एरॉन जॉन्स, और मेरे ख्याल से असद वाला ही एक लोनली परफॉर्म कर रहे हैं, जी क्योंकि पीएनजी की हाँ टीम, जैसे हमने बिल्कुल आपको कल पॉइंट्स टेबल बताया था, अगर आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की पॉइंट्स टेबल नहीं पता है तो आप आई बटन दे, एक वीडियो आ रहा है जी उसमें जाके अभी हाँ देखिए जरूर कि जरूर कौन सी टीम कौन से पायदान पर है, नेपाल से लेकर ओमान कौन से पायदान पर है। असद वाला सिर्फ शायद इकलौते चल रहे हैं, क्योंकि पीएनजी 8 में से 8 मैच अपने हारी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा अगर ये रन्स मैच विनिंग में चेंज ना हो। जी हाँ पर दूसरे नंबर पे एरॉन जॉन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्लेयर हैं, 12 मैचों में 414 रन, जी हाँ तो बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस चल रहा है, 12 मैच खेले हैं, 400 रन, कहीं ना कहीं जबरदस्त खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। पहले नंबर पे इनकी क्या बात करना, आकिब इलियास, जी जी हाँ हाँ 10 मैचों में 610 रन, और इतनी बहुत आउटस्टैंडिंग, इतनी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस, 76 का तो इनका एवरेज है। 10 मैचों में 610 रन ओडीआई में मारना कोई हलवा बात नहीं है।
बहुत टॉप परफॉर्मेंस रही है आकिब इलियास की, और वो क्लियर दिखाता है कि वो बाकी प्लेयर से किस तरह से आगे हैं। आप डिफरेंस देखिए, करीब करीब 200 रन का डिफरेंस है नंबर वन और नंबर टू प्लेयर में। ये दर्शाता है कि आकिब इलियास कितने जबरदस्त रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने नेपाल के खिलाफ भी सेंचुरी मारी थी, वो भी नेपाल में जाकर, और उस मैच में 4 विकेट भी निकाले थे जो की काबिल तारीफ। तो सबको वो ये सब यादें ताजा होंगी क्योंकि जबरदस्त प्लेयर है, इसमें कोई दोराय नहीं है। ये बात हो गई टॉप 10 प्लेयर्स की। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि नेपाल की तरफ से सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रन किन किन प्लेयर्स ने मारे हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा रन पारस खड़का ने मारे होंगे या ज्ञानेंद्र मल्ला ने मारे होंगे या फिर कोई और प्लेयर्स होंगे, तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, नेपाल की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर अगर किसी ने मारे हैं तो वो है विनोद भंडारी। जी हाँ, उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर अब तक किया है। कितने किए हैं, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, देखिए विनोद भंडारी ने 4 मैच में 120 रन मारे हैं। 4 मैच में 120 से कम है, जी हाँ, मैचेस कम है। जब पूरी उम्मीद है नेपाल का परफॉर्मेंस निखरेगा, जरूर निखरेगा। 4 मैचों में 120 है, जिसका अगर डबल भी कर दिया जाए तो 8 मैचों में 240। ऐसा नहीं होता है, आप कहीं 50 मारते हैं, कभी सेंचुरी मारते हैं, कभी। और यही हम कह रहे थे कि हम आपको रीजन आगे बताएंगे, रीजन यही है कि नेपाल के मैचेस उतने नहीं हुए। अगर नेपाल के मैचेस भी 8 मैच 10 मैच तक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनके स्कोर भी काफी अच्छे हो जाएंगे। नीचे से भी कोई और भी प्लेयर निकल सकते हैं, और वो जो ऊपर बैठी टीम है उनके भी अगर मैचेस बढ़ते रहे तो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेपाल के पास बहुत अच्छे चांस है, अभी मैचेस होते रहेंगे, स्कोर बनते रहेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद बात करें यहाँ तो पारस खड़का है। जी हाँ, पारस खड़का 4 मैचों में 80 रन, कहीं ये वाकई में थोड़ा कम है। जी हाँ, कम है बिल्कुल, ये वाकई में कम है। 4 मैचों में 80 रन वाकई में कम है। इसके बाद गेंद्र मल्ला आते हैं 4 मैचों में 79 रन। उसके बाद यहाँ पे कुशल मल्ला आते हैं 4 मैचों में 78 रन। कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, विनोद भंडारी का परफॉर्मेंस कहेंगे वाकई में बहुत अच्छा जा रहा है। और कुशल मल्ला के लिए जहां तक बात है वो नीचे और ज्ञान मल्ला को स्टेप अप करने की जरूरत है, क्योंकि एक मैच की बात नहीं कर रहे हम, 4 मैच हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा ताकि वो जल्दी से पेस पकड़ सके अपने प्लेयर्स के लिए। विनोद भंडारी अब तक स्टैंड आउट प्लेयर रहे हैं, 40 का एवरेज चल रहा है। जी हाँ, मैं अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले 40 का एवरेज है। मान लीजिए 12 मैच अभी अब 12 तक गिनते हैं, अगर 8 मैच बचे हैं, 40 के एवरेज से 240 रन और जुड़ेंगे। जी 40 के एवरेज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बुरा नहीं है। जी लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, ये कह सकते हैं कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इस टाइम विनोद भंडारी करते हुए नजर आ। जी हाँ, बैटिंग की बात है कि नेपाल की तरफ से विनोद भंडारी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द पारस खड़का और ज्ञानेंद्र मल्ला को भी पेस पकड़ने की जरूरत है ताकि इस टूर्नामेंट में आगे लगातार नेपाल की टीम बनी रहे। खैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो बैटिंग में जो टॉप स्कोरर्स हैं उनके बारे में। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब लगातार करते रहिए क्योंकि स्पोर्ट्स अपडेट्स और एनालिसिस हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।